हेलो फ्रेंड्स, फ्रीजर एक्वेरियम आपका स्वागत करता है आपके पेट शॉप का साथी सिंस 1998 से, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज, एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है, जैसे रेडटेल गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, डिस्कस, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो रोज अवेलेबल हमारे पास नई नई फ्रेश वैरायटीज आती है। और कैट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे म्याओ ब्रांड है, रॉयल कैनिन है, विस्कस है, रूल्स है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है और विथ डिस्काउंट्स। और इसके लिए आपको हमारी शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है। जैसे ही इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को लगी, वो सड़क पर उतर गए और नारेबाजी करने लगे। आरोपियों की फांसी की सजा की मांग करते हुए आरोपियों की पान की टपरी तोड़ दी। भिवंडी शहर में घटना को लेकर देर रात सड़कों पर लोग इकट्ठा होकर बलात्कारियों को फांसी देने की मांग करने लगे। भिवंडी शहर की 16 वर्षीय एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया था। भिवंडी भोईवाड़ा पुलिस में इसकी शिकायत मिलने के बाद लड़की को इन दोनों आरोपियों के चंगुल से छुड़ा लिया गया। इसके बाद सनसनीखेज खुलासा ये हुआ कि इस लड़की के साथ 10 से 12 दिन तक लगातार बलात्कार किया गया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने सड़कों पर उतर कर काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया। पहले आरोपी का नाम है सुशील कुमार सोनी, उम्र 28 वर्ष, और दूसरे आरोपी का नाम है इरशाद इलियास अंसारी, उम्र 48 वर्ष है। सड़कों पर उतरी जनता ने इन दोनों आरोपियों के पान टपरी की दुकान तोड़ डाली। भिवंडी शहर में बलात्कार की घटना को लेकर देर रात में लोग सड़कों पर उतर कर काफ़ी हंगामा किए और तोड़फोड़ भी किए। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर आईपीसी की धारा 376 पॉक्सो 4.8.12 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं डीसीपी योगेश चौहान ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए हिंदू मुस्लिम का रंग न देने की अपील की है। डीसीपी योगेश चौहान ने कहा है कि कानून अपने हाथ में ना लें, हम कानूनी तरीके से आरोपियों पर कार्रवाई करेंगे। पूरी घटना पर डीसीपी ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। क्या है, मेरी कस्टडी में थी, उसको भगा लिया है। इस तरीके की कंप्लेंट 12/13/2020 को उन्होंने इन लोग भगा के ले गए, ऐसा बताया। इस तरह ये जो है, ये वाकया भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन के तहत आता है, तो हमने गुना रजिस्टर नंबर 207/2020 के तहत 363 का मामला दर्ज किया। 21/10/2020 को शाम को 7 बजे वो रजिस्टर किया। उसके बाद ताबड़तोब जो है, वो जो लड़की है उसको ढूंढने की हमने पूरी कोशिश की और 3 लोगों का पतक हमने तैयार किया। वो हिसाब से वो बाद में भिवंडी शहर में ही 21/11/2020 को उसको ताबे में लिया गया और उसके पिताजी के पास उसको भेजा गया। उसके जो हमने जो तपास किया, हमारे पुलिस इंस्पेक्टर है, सीनेरपिया है, या हमारे ECP उसमें ध्यान दे रहे थे, तो जब डॉक्यूमेंट्स हमने पता किए, उसको बुलाया, वो लड़की को उसका मेडिकल किया गया। वो बाद में पता चला कि वो जो लड़की है नाबालिग है। वो हिसाब से फिर हमने वो जो उसके पिताजी है उसकी फिरियाद, उसका स्टेटमेंट लेके आगे, वो नाबालिग उनकी रखवाली में होने की वजह से सुशील कुमार संतोष सोनी, उम्र 28 साल, धंधा पानपट्टी, हंडी कंपाउंड, भैरव डाइंग, समरू बाग, भिवंडी, और दूसरा जो आरोपी है इरशाद इलियास अंसारी, उम्र 48 साल, उसका भी धंधा जो पानपट्टी का है, खली शेट की चाल, दीवान शाह दरगाह भिवंडी, उनको हमने ताबे में लिया है। और उनको अरेस्ट करके उनके जो सेक्शन है IPC 376 के पोक्सो एक्ट
के तहत वो एक्ट लगा के उनको अरेस्ट करके आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर जो है क्राइम उसका कर रहे, तो इसी दरमियान कुछ लोग जो है गांव का अमन और शांति बिगाड़ना चाहते हैं और उसको जातीय तुल देने की कोशिश कर रहे, हिंदू मुस्लिम मामला बनाने की कोशिश कर रहे। लेकिन मेरी सभी जनता से गुजारिश है कि ऐसा कुछ मामला नहीं है, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन आगे का काम कर रही है, ऐसी बातों पे आप ध्यान ना दें और पुलिस को सहायता करें। हमें भिवंडी शहर की अमन और शांति बरकरार रखनी है।